नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जयस्ता न्यूज। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी के द्वारा भगौड़ा साबित कर दिया गया है, सीधे सीधे बोल दिया गया कि अनिल देशमुख कहां पर हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं अब जो है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को भी भगौड़ा साबित कर दिया है। आपको बता दूं कि अभी अभी जो अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि थाने के पुलिस के द्वारा एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, वो भी परमवीर सिंह के खिलाफ में। और ये जो नोटिस जारी किया गया है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर है। आप सबको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई एफआईआर जो है परमवीर सिंह के खिलाफ दर्ज कराए गए हैं, और उस केस में जो पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है उसमें जो है लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। मतलब सीधी सी बात है कि अब परमवीर सिंह भी गायब हैं और अनिल देशमुख भी गायब हैं। मतलब कि पहले तो जो आरोप लग रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अनिल देशमुख ने सब कुछ किया, परमवीर सिंह के ऊपर भी आरोप लग रहे थे, लेकिन अब ये जो कार्रवाई हो रही है लगातार वो दोनों को ऊपर कर चल रही है। मतलब कि इधर से सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा अनिल देशमुख के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो राज्य सरकार यानी उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के द्वारा लगातार परमवीर सिंह के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी जो है अभी तक किसी की भी नहीं हुई, ना अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई ना परमवीर सिंह की गिरफ्तारी हुई, लेकिन लगातार ये जरूर बात सामने आ रही है जहां पे बोला जा रहा है कि जल्द ही इन दो के दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी ये दोनों कहां पर हैं क्या, किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब देखते हैं, थाने पुलिस ने इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, इसके बाद जो है परमवीर सिंह इस पर उनकी तरफ से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। वहीं आपको बता दूं कि अब जो है लोगों के द्वारा भी सवाल उठने लगे हैं, जहां पर लोगों द्वारा सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि परमवीर सिंह को कहीं ना कहीं इस केस पूरे के पूरे केस में बलि का बकरा ना बना दिया जाए, यानी कि अनिल देशमुख को बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि परमवीर सिंह के ऊपर ही सारी सारी कार्रवाई कर दी जाए और लोग जो है उससे खुश हो जाएं और अनिल देशमुख जो है इसमें पूरे के पूरे केस से बच जाए। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा पब्लिक के द्वारा क्यों बोला जा रहा है, उसके पीछे का एक मेन रीजन है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से लगातार जितने भी महाराष्ट्र के बड़े पॉलिटिशियन हैं जैसे शरद पवार जी और बड़े नेता जो लोग हैं वो लगातार जो है बीजेपी के साथ में कॉन्टैक्ट में हैं, यानी कि लगातार उनके साथ में मुलाकात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो शरद पवार जी हैं वो कुछ दिन पहले ही अमित शाह जी से मुलाकात करते हैं, और इससे कुछ दिन पहले ही वो जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद लगातार लोगों द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कहीं ना कहीं क्या इसमें कोई बड़ा गेम तो नहीं चल रहा है। अभी इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो गेम जरूर चल ही रहा होगा। और यहां पर जो है लोगों द्वारा सवाल इस पर भी उठाया जा रहा है कि सारी की सारी कार्रवाई उसी टाइम क्यों होनी स्टार्ट हो गई परमवीर सिंह के ऊपर, जिस टाइम अनिल देशमुख के खिलाफ जो है परमवीर सिंह ने एक मतलब पूरी तरह से भांडा फोड़ा, वो भी अनिल देशमुख का। देखते हैं अभी आगे आने वाले टाइम पे क्या होता है, लेकिन अभी भी दो के दोनों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां चल रही है और दो के दोनों कहां पर हैं इसके बारे में अभी किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।